इंदौर में प्रदेश भर की तरह ही जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की। वैसे ही मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। अपनी 5 सूत्री लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की है। इसी सांकेतिक हड़ताल के तहत जूनियर डॉक्टरों ने इंदौर में भी हड़ताल की। गौरतलब है कि लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को जूनियर डॉक्टर चेता रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया। या 2 दिन में निश्चित जो निश्चय लिया गया उसकी हड़ताल नहीं है, ये पिछले 6 महीने से जो हम लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हड़ताल है, उसका नतीजा है। पिछले 6 महीने से लगातार हम कोशिश किए जा रहे हैं सांकेतिक आंदोलन करते हुए, पैरेलल ओपीडी, ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट, ओपीडी में 2 घंटे का धरना, ये सब देखकर हम कर चुके हैं। और जब हमारी सरकार बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है, तब जाकर आज हमने अपनी हड़ताल जो है चालू की है। और हमारी से 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में, परिजन जो है मारने पर एकदम उतारू हो जाते हैं, और जो सरकार है उसमें चुप्पी साधी हुई है, किसी तरह की सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं बढ़ाई गई है। दूसरी चीज़ जो है ये है कि जब जो डॉक्टर्स कोरोना में काम करते वक्त कई बार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, कई डॉक्टर्स ने जो हमारे साथी हैं उनकी जान तक जा चुकी है कोरोना में काम करते हुए, तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ अगला इंसिडेंट हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे हेल्थ केयर के लिए, डॉक्टर्स के खुद के हेल्थ केयर के लिए कुछ बड़े कदम ले। जैसे कि हम चाहते हैं कि 10% जो बेड्स हैं हर हॉस्पिटल में वो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रहें, सारी फैसिलिटीज़ में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा चीज़ जो हमारे पिछले लगातार 1 साल से हम कोरोना में काम करते आ रहे हैं, उसका जो हम अपने जो फील्ड्स में हम उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल में हमने काम किया है उसको या तो हमारे ट्यूशन फीस माफ़ करके उसका भुगतान किया जाए, या फिर जो हमारे ग्रामीण बॉन्ड है 1 साल का उससे हमको मुक्त किया जाए। और आखिरी में ये कि कई सारे राज्य अपने अपने डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स के हित में कई सारे बड़े कदम उठा रहे हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है डॉक्टर्स की, कई जगहों पे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है, कई जगह पे बॉन्ड रिलीफ करने की बात की जा रही है। तो जब यही बात हमारे राज्य के लिए आती है तो हमारे जो मंत्री लोग हैं वह इन बातों में हमसे बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। हम घंटों उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कि आकर हमारी बात सुने, जगह जगह से लोग, सब जगह के जो जूड़ा के प्रेसिडेंट्स हैं वो जाकर के बात किए और हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो उनका ये जो रवैया है वह देखकर हमें हड़ताल का बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और अगर आज हमारी इन बातों को नहीं सुना जाता है तो कल डेफिनेटली हम कोविड सर्विसेज भी रोक देंगे, और अगर और बड़े कदम उठाने पड़े डेफिनेटली हम उनको उठाएंगे। ये अनिश्चितकालीन है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे कोविड ड्यूटी बंद करके, और ये लगातार चलता रहेगा। इंदौर में कि पूरे प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर शहर में जहाँ जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन हर शहरों में आज प्रोटेस्ट, आज हड़ताल हो रही है। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ इतनी भयानक स्थिति है कि डेफिनेटली पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। हम समझ रहे हैं, हम तो खुद डॉक्टर्स हम देख रहे हैं अंदर कैसी हालत हो रही है, कितने मरीज बढ़ रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति चल रही है। पर जैसा कि मैंने बोला, दोष पूरा सरकार का है। ये सवाल आप जाके सरकार को पूछिए कि मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं।